हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम इन सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए दोस्तों एचबीआई क्लर्क से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों पहले बता देता हूँ स्टडी रिलेटेड नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों जो अभी यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है, जो बड़े बड़े चैनल वाले जिनसे मेरे को ये होप नहीं थी कि ये वीडियो वो सब डालेंगे, पर जो ये वीडियो जिसके बारे में आती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, और आपको वीडियो के बारे में जो भी लगे कमेंट करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जब तक तो नोटिफिकेशन नहीं आता है कोई, तब तक तो सब बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया नहीं आया नहीं आया, हम सर तैयारी कब से करें, नोटिफिकेशन नहीं आया। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, फिर जितने भी बड़े वाले बड़े बड़े चैनल है ना, सबसे पहले वीडियो डालेंगे, वो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद वो डालेंगे कि एच बी आई क्लर्क पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, एच बी आई क्लर्क क्या पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो डालेंगे। तो पहले तो आप ये करोगे कि नोटिफिकेशन नहीं आया नहीं आया, और आएगा तो ये वीडियो क्यों बनानी है आपको, पोस्टपोन्ड करने से क्या होगा, इस वीडियो से आपको मिलेगा क्या। अगर दोस्तों आप बताओ आपके हाथ में क्या है, अगर एस बी आई क्लर्क पोस्टपोन होता है ना, पोस्टपोन होगा, फिर भी आपको क्या मिलेगा बताओ, आप क्या कर सकते हो ये बताओ, आपके हाथ में क्या है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, ओनली स्टडी, केवल अपन पढ़ाई ही कर सकते हैं, अपने हाथ में यही चीज़ है। अगर एस बी आई क्लर्क पोस्टपोन हो भी जाएगा फिर भी अपन कुछ नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा करोगे क्या, अगर एस बी आई क्लर्क पोस्टपोन हो गया तो आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, पढ़ाई करना छोड़ दोगे क्या बताओ, प्रैक्टिस छोड़ दोगे क्या, पढ़ाई छोड़ दोगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग जो भी ट्रेंड चलता है उसको फॉलो कर देते हो कि हाँ सर पोस्टपोन होगा नहीं होगा इसके बारे में बताओ। आपको क्यों मैसेज करना, क्यों कमेंट करना कि सर पोस्टपोन होगा क्या या नहीं होगा, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आ गया है तो बस अपन को तो प्रैक्टिस करनी है, प्री और मेंस दोनों के साथ में करनी है, ऐसे नहीं केवल प्री की करनी है। और बाकी कितने भी फेक न्यूज़ आए, कोई भी वीडियो बनाए चैनल वाले कि पोस्टपोन होगा, उस पर अपन को ध्यान नहीं देना, अपना एक ही फोकस है। फोकस किस पर रखना है अपन को, स्टडी पर रखना है, ठीक है, इसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना दोस्तों। और अगर पोस्टपोन हो गया तो भी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, बस अपन को पोस्टपोन हो गया फिर भी पढ़ाई करनी है, और नहीं होगा तो भी पढ़ाई करनी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि पोस्टपोन नहीं हो और जल्दी एग्ज़ाम हो, ठीक है, ताकि कम टाइम में आपकी एनर्जी आप ज़्यादा दे पाओ एग्ज़ाम में। और दोस्तों केवल ये बात होगी पोस्टपोन से रिलेटेड तो आप इस किसी पर ध्यान में देना, अब बात करते थोड़ी सी बढ़ेगी। जो केवल प्री की तैयारी कर रहे हैं ना, बिगिनर है, वो ओनली प्री की मत करो दोस्तों, दोनों को साथ में लेके चलो, प्री प्लस मेंस, क्योंकि सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो मेंस से ही होगा ना, केवल प्री से सिलेक्शन होना नहीं है। तो इसी चैनल पर हाई लेवल डी आई मैंने अपलोड की हुई है, 11 अलग अलग डी आई अपलोड की है मेंस लेवल की, तो वो आप देखो अच्छे से, खुद से प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अच्छी सक्सेस क्लासेस के नाम से है, और रीजनिंग के ऊपर भी मैं पजल बना रहा हूँ कि कैसे आपको जल्दी बनाना है, बाकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इनिपलेट इनके ऊपर वीडियो डाली हुई है, तो आप सारी वीडियो देखते रहो दोस्तों, चैनल पर अपडेट रहो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जो भी लगे आप मेरे को बता दिया करो, कमेंट किया करो, ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।